हिना खान इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर टीवी स्टार हैं और अब तो हिना खान फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। हिना खान ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में पहचान बनाई थी। इसके बाद टीवी रियलिटी शो में उन्होंने कदम रखा, लोगों का दिल जीता। हिना खान अपने बेबाक अंदाज और बोल्डनेस के लिए खूब जानी जाती हैं। जो भी हो अपनी राय एक्ट्रेस बहुत ही बेबाकी से सबके सामने रखती हैं और किसी से नहीं डरती हैं। वेल हिना खान ने कान फिल्म फेस्टिवल में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सभी का सिर गर्व से ऊंचा किया। करियर और पर्सनल लाइफ में इतना कुछ पा लेने के बावजूद हिना खान केवल एक ही वजह से ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं और वो है उनका ड्रेसिंग सेंस। हिना खान ने हाल ही में खुद की ग्रीन मोनोकिनी और सैटन फ्लावर प्रिंटेड श्रग पहने कई फोटोज पोस्ट की हैं। हिना खान इस समय दुबई में वेकेशन टाइम एंजॉय कर रही हैं। एक्वा ग्रीन मोनोकिनी में हिना ने जब से फोटोज पोस्ट की हैं वो ट्रोलर्स के निशाने पर आई हुई हैं। हालांकि इन फोटोज में हिना खान का ग्लैमरस अंदाज बखूबी देखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को उनका ये स्टाइल रास नहीं आया। एक यूजर ने हिना खान की फोटो पर कॉमेंट कर लिखा, ऐसे कपड़े देखने के बाद मुझे गली के गरीब लोग भी आपसे बेहतर लगते हैं। एक और यूजर ने लिखा, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि महान पारिवारिक और परम संस्कारी बहू अक्षरा उर्फ हिना खान। वेल समुद्र किनारे हिना खान का ये अंदाज हर किसी को पसंद नहीं आया। हिना खान जब भी इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करती हैं तब लोग उनके इस तरीके के बोल्ड ग्लैमरस फोटोशूट्स देख हैरान रह जाते हैं। वेल आपको बता दें कि ग्रीन कलर की मोनोकिनी पहने एक्ट्रेस हिना खान जबरदस्त अंदाज में रेत पर कभी बैठे हुए तो कभी खड़े हुए पोज देती नजर आई हैं। हिना खान के इस ग्रीन मोनोकिनी में साइड से एक बड़ा सा कट लगा हुआ है, तो वहीं एक्ट्रेस का ये अंदाज देखने लायक है। वल आंखों में गॉगल्स लगाए समुद्र किनारे पोज देती हिना खान इन तस्वीरों में यूं तो बेहद ज़बरदस्त लग रही हैं, लेकिन उनके कुछ फैंस को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो अब ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हिना खान के इस बोल्ड ग्लैमरस अंदाज पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।